नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में एनआईए की जांच जारी है। गुरुवार को मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा एनआईए के रेडार पर चढ़ गए। सुबह ही एनआईए ने उनके घर में छापा मारा था और दोपहर तक एनआईए ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं प्रदीप शर्मा का पूरा बायोडेटा। प्रदीप शर्मा उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले। उनके पिता अंग्रेजी के प्रोफेसर थे जिन्हें महाराष्ट्र के धुले में एक कॉलेज में नौकरी मिल गई थी, लिहाजा तभी वे अपने परिवार को लेकर महाराष्ट्र चले गए थे और फिर वहीं बस गए। प्रदीप शर्मा धुले में ही जवान हुए और उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं पूरी हुई। प्रदीप ने MSc किया था। वर्ष 1983 में प्रदीप शर्मा का चयन महाराष्ट्र पुलिस सेवा में हो गया। प्रदीप की पहली पोस्टिंग मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में हुई थी, जहां वो कुछ समय रहे और इसके बाद उन्हें जुहू में पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात किया गया। 1990 के दशक में सरकार ने अपराधियों का सफाया करने के लिए एक विशेष टीम बनाई, जिसमें प्रदीप शर्मा समेत मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के कुछ चुनिंदा अफसरों को शामिल किया गया। इसके बाद यह टीम अंडरवर्ल्ड के सफाई में जुट गई। एक के बाद एक अपराधी मुठभेड़ में मारे जाने लगे। इस टीम और टीम में शामिल पुलिस अधिकारियों को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। प्रदीप शर्मा के नाम का आतंक अंडरवर्ल्ड पर दिखने लगा था। कुछ साल में ही उन्हें तरक्की देकर मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सीनियर इंस्पेक्टर बना दिया गया। तब तक उन्हें पुलिस सेवा में 25 साल हो चुके थे। उनके नाम 113 अपराधियों के एनकाउंटर लिखे गए। साल 2006 प्रदीप शर्मा के लिए परेशानी लेकर आया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के गुर्गे राम नारायण गुप्ता को प्रदीप शर्मा ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था, लेकिन जब जांच हुई तो वो मुठभेड़ फर्जी निकली। प्रदीप शर्मा गंभीर विवाद में घिर गए। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रदीप शर्मा को दोषी करार दिया और उन्हें 3.5 साल कैद की सजा सुनी। नतीजा ये हुआ कि महाराष्ट्र सरकार ने प्रदीप शर्मा को साल 2008 में पुलिस सेवा से बर्खास्त भी कर दिया। बाद में साल 2017 में उन्हें महाराष्ट्र पुलिस सेवा में वापस ले लिया। वर्ष 2019 में प्रदीप शर्मा ने अचानक पुलिस सेवा से VRS ले लिया। इसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख किया और शिवसेना की सदस्यता ले ली। शिवसेना ने प्रदीप शर्मा को मुंबई की नालासुपारा सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा, लेकिन वो चुनाव हार गए और अब एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में NIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।